Hi dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Again we are studying chapter 2nd fractions. This is exercise 2b. This is fourth part of exercise 2b. Okay, this is the fourth part. So there is question number 4. Question number 4. Apples are sold at rupees 48.415 per kg. Okay. यहाँ पे एप्पल सर जिसको जो 48.415 पर केजी के अकॉर्डिंग इसको सोल्ड किया जाता है. ओके, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 3.314 केजी ऑफ एप्पल्स. तो इसके अकॉर्डिंग में बताना है कि 3.314 केजी ऑफ एप्पल्स का कास्ट कितना हो जाएगा. ओके, 1 केजी का कास्ट 48.415 केजी है पर केजी है ना. सॉल्यूशंस, सिंस कास्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स is equal to rupees 48.415 kg. इतना पर केजी है ना. Therefore, cost of 3.314 kg of apples. अगर 1 kg का cost इतना है, तो 3.314 kg of apples का cost हो जाएगा rupees 48.415 multiplied 3.314. Okay. 1 kg का cost और जितने kg का find करना है उससे multiply करो. अब देखो 48 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 240 हो जाएगा और इसमें 4 ऐड कर लेंगे 244 हो जाएगा अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 प्लस 3 15 15 अपॉन 4. अब देखो ये 5 अंदर 5 5 3 जा 15 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 1 जा 4. ओके, इतना हो गया. अब इसके बाद ये 61 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं. 61 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज 183 इस तरीके का अगर क्लॉथ हो और 5.43/5 मीटर हो तो उसका कास्ट क्या हो जाएगा, ये बताना है. सॉल्यूशंस, सिंस कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीस 42.112. ओके, देयरफॉर कास्ट ऑफ 5.43/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीस कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द क्लॉथ 42.112 मल्टीप्लाई 5.43/5. ओके, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन प्रॉब्लम में. 42 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा प्लस 85 मल्टीप्लाई 5 5 25 प्लस 3 28/5. अब देखो ये 2 अंदर 2 2 अंदर 2 2 4 अंदर 14 हो गया 5 अंदर 5 5 अंदर 5 यहाँ पे 3 रिमाइंडर हो जाएगा 35 हो जाएगा 5 7 अंदर 35 17 17 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 238 रुपीज आ जाएगा. दैट्स योर आंसर. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6. अ कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66.3 किलोमीटर पर आवर. ओके, इस स्पीड से कोई कार डिस्टेंस को कवर करता है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स. तो 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये फाइंड करना है. सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना है 66.3 किलोमीटर 1 आवर में इतना करना है. देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 9 आवर्स इज इक्वल टू 66.3 मल्टीप्लाई 9 आवर्स. ये 1 आवर का डिस्टेंस है तो 9 आवर का फाइंड करना है 9 से मल्टीप्लाई. ओके, तो इसको पहले ही प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 200/3 आ जाएगा. ओके, 3 का मल्टीप्लाई 66 से तो हो जाएगा 198 प्लस 200/3 मल्टीप्लाई 9/1. और यहाँ पर देखिएगा 3 1 3 3 3 9 200 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर. ओके, दैट्स योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. 1 टिन होल्ड्स 12.3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल.
इतना किसी टिन में इतना ऑयल आता है, इतना लीटर, तो बोलते हैं 1/4 लीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टिन्स होल्ड? तो इसी प्रकार से अगर 26 टिन्स हो तो उसमें कितना लीटर आएगा ऑयल? ओके, सॉल्यूशन। सिंस कैपेसिटी ऑफ 1 टिन इज इक्वल टू 1 टिन का कैपेसिटी कितना है 12 × 3 = 4 लीटर, इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे तो 48 + 3 = 51 / 4 लीटर। ओके, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ 26 टिन्स, तो 26 टिन्स की कैपेसिटी हो जाएगी 1 टिन की जो कैपेसिटी है उसमें 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे 26 टिन्स की कैपेसिटी आ जाएगी। 51 / 4 × 26 / 1 कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 13 हो गया। ओके, 51 × 13 = 2, 51 में 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 663/2 लीटर। ओके, तो आप 2 से 663 को डिवाइड कर लेंगे तो 331 / 1/2 लीटर। ओके, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ पार्टिकुलर शो इन अ सर्कस ईच टिकट कॉस्ट रुपीज 35 for 1/2 rupees, कितना है कॉस्ट 35 for 1/2 rupees ईच टिकट का है। इफ 308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो, कितने टिकट सोल्ड किए गए 308, हाउ मच अमाउंट बीइंग कलेक्टेड, तो इस तरीके से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा। सॉल्यूशन, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज इक्वल टू रुपीज 35 for 1/2, ओके, इज इक्वल टू, इसको हम इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 + 1 = 2 rupees, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 308 टिकट्स इज इक्वल टू रुपीज 1 टिकट का कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टिकट्स 308, तो देखो 2 × 2 = 2, यहां पे रिमाइंडर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 154, 71 × 154, तो ये रुपीज हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10,934 रुपीज आ जाएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये इस लेक्चर का पार्ट 6 का ये लेक्चर यहां पे बेटा कंप्लीट होता है। इन सभी क्वेश्चन को आपको राइट कर लेना है और इसके सॉल्यूशंस को भी राइट कर लेना है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप प्रैक्टिस सेल्फ से करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू। अरे